सो माय डियर, लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में हम लोगों ने नोड्स की क्लासिफिकेशन देखे थे और मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट सेशन में हम कपल के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कपल के बारे में बात करेंगे, तो अभी हम वही जिक्र करने जा रहे हैं माय डियर। सो द हेडिंग इज बेसिकली कपल। तो जब हम बात कपल की करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। जिसे मैंने आपसे कहा, लेट अस से वी आर हैविंग अ बॉडी लाइक दिस और इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लग रहा है F और ऐसे और फोर्स लग रहा है F। ये दो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है एंड दे आर लेट अस से सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दे आर लेट अस से सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d एंड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। तो कपल को हम इस तरीके से, दिस इज F डॉट d, दिस इज सॉरी FD, F into d इज द कपल। एंड माय डियर, अगर हम कपल की बात कर रहे हैं तो यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, कुछ लोग ऐसा लगता है सर ये तो कोई डायरेक्शन है, माय डियर दिस इज नॉट डायरेक्शन, दिस इज सेंस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। जब आप अपने हाथ के फिंगर्स और थंब को ऐसे 90 डिग्री रख देंगे तो फिंगर्स को सेंस ऑफ रोटेशन जब आप घुमाएंगे तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन। सो माय डियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कपल इन वर्ड्स बेसिकली। सो माय डियर, दिस इज C इज F into D, दिस इज द कपल। एंड माय डियर, यहां पर ना बहुत लोगों को एक डाउट होता है कि सर ये कपल किस पॉइंट पे एक्ट करेगा। जैसे जनरली मैं जब भी आप लोगों से पूछता हूं कि बताओ कपल किस पॉइंट के अबाउट एक्ट करेगा, आई जनरली गिव थ्री ऑप्शंस। एक ऑप्शन मेरे पास ये है जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है O। सेंटर पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो D / 2 डिस्टेंस ये है और D / 2 ये डिस्टेंस है। फिर मैं एक और पॉइंट जनरली ले लिया करता हूं, लेट अस से मेरे पास एक और कोई पॉइंट है, लेट अस से O' और इस तरीके से कि ये डिस्टेंस D1 है और ये D2 है। एंड देन वी आस्क कि O' और तीसरा जो पॉइंट अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, तो माय डियर थर्ड पॉइंट आई एम कंसीडरिंग इज हियर, दैट इज O डबल डैश। एंड माय डियर, जो O डबल डैश है ये बेसिकली यहां से D3 डिस्टेंस पर है। एंड माय डियर, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कपल जो है ये O के अबाउट, O डैश के अबाउट, O डबल डैश के अबाउट क्या इसके इफेक्ट्स होंगे, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो माय डियर जनरली लोगों को लगता है कि सर जो कपल आपने F into D लिखा है सेंटर पॉइंट O के अबाउट होगा। तो मैंने कहा चलिए चेक कर लेते हैं कि इसका इफेक्ट बेसिकली क्या है। तो फोर्सेस और कपल के इफेक्ट्स और मोमेंट्स की टर्म्स में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं समेशन मोमेंट अबाउट O देखने की कोशिश करूं तो आप जानते हो मोमेंट अगर मैं देख रहा हूं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो माय डियर, O के अबाउट जब आप देखोगे तो ये F into D by 2 आप देख सकते हो। F अगर आप इफेक्ट देखना चाहते हो तो फोर्स को जिस पॉइंट के अबाउट आप उसका इफेक्ट देखना चाहते हो उस पॉइंट के अबाउट घुमाना होता है। तो पॉइंट यहां पे अगर घुमाओगे तो इधर ही तो घूम रहा है, लिखा था वही आया है। And this shows my dear कि okay अब जो लोग सोच रहे थे कि इसका effect ये आता है कपल का, तो yes वो लोग सही थे। But मैंने कहा कि जो लोग O dash और double dash के बारे में चिंतित हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा सोच लिया जाए। तो summation M जब आप O dash के अबाउट देखेंगे my dear, तो O dash जो है D1 और D2 distance है और ये जो F है पहले clockwise create करेगा O dash के अबाउट, so I will be writing here plus F into D1. Similarly this F will create clockwise F into D2, F into D2, so it will become F into D1 plus D2 and D1 plus D2 combined is D, this is F into D. So my dear, this is the effects of, about O dash. Similarly my dear, when we are talking about O double dash, अब ये सोचने वाला है कहने का मतलब है O पर जो इफेक्ट आया वही O dash पे आया। अब O double dash पे देख लेते हैं। O double dash के लिए देखो तो my dear, इस पर पॉइंट नीचे है तो ये फोर्स अगेन क्लॉकवाइज ही देगा पर इस पर डिस्टेंस कितना होगा D1 plus D2 plus D3, या दूसरे शब्दों में लिख दूंगा F into D plus D3। एंड माय डियर, इस बार ये फोर्स है जब पॉइंट नीचे है तो उसको नीचे की तरफ घुमाओगे इट विल गिव यू एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि कपल का जो मोमेंट या फोर्स का मोमेंट जब हम देखते हैं तो फोर्स को जिस पॉइंट पे वो मोमेंट निकालना होता है उसकी तरफ घुमा देते हैं तो हमें पता लग जाता है। तो ये फोर्स यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है और डबल डैश के अबाउट, सो वी विल राइट इट एज माइनस एफ इनटू डी 3 एंड माय डियर दिस विल अगेन गिव यू एफ इनटू डी। कहने का मतलब है कपल का इफेक्ट जो मोमेंट की टर्म्स में हमने लिखा है वो O, O dash और O double dash तीनों के ऊपर सेम आ रहा है। एंड माय डियर, इससे पता लगता है कि ये पॉइंट के इंडिपेंडेंट है। एंड माय डियर, दैट इज द रीजन व्हाई कपल इज सेड टू बी अ फ्री वेक्टर। इसलिए माय डियर कपल को एक फ्री वेक्टर कहा जाता है, दैट्स व्हाई कपल इज सेड टू बी अ फ्री वेक्टर। एंड माय डियर, क्योंकि इसका जब आप इफेक्ट देखते हो मोमेंट की टर्म में तो किसी भी पॉइंट के वो सेम आता है, दैट इज द रीजन माय डियर व्हाई कपल इज सेड टू बी अ फ्री वेक्टर।
सो माय डियर, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कपल के बारे में. अब हम टाइप्स ऑफ कपल देखेंगे, एक बेंडिंग कपल होता है और एक ट्विस्टिंग कपल होता है, और ये देखने के बाद फिर हम इक्वल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस या लोड्स देखने के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए कुछ क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करेंगे. एंड माय डियर, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नोन एज सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस. चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे का पार्ट. सो माय डियर, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कपल्स. तो अब हम जब कपल्स की बात करें तो बेंडिंग और ट्विस्टिंग कपल की बात करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग कपल. चलिए माय डियर, देखते हैं बेंडिंग और ट्विस्टिंग कपल क्या होता है. और इसको देखने के लिए सबसे पहले माय डियर, मैं आपके सामने एक बॉडी बना रहा हूं. ये मैंने आपसे कहा मेरे पास एक मेंबर है और इस मेंबर का 3D व्यू ये होगा. दिस इज द 3D व्यू. और 2D व्यू की बात करें तो हम देख चुके हैं 2D व्यू को जिस तरीके से बनाया भी करते हैं, इट इज लाइक दिस. और आप जानते हो इसको अगर मैं लिखूं ये ABCD जो है ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ABCD इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. एंड माय डियर, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं CGS सेंट्रोइड बोल रहा हूं. एंड माय डियर, इस CGS सेंट्रोइड से पास करने वाली जो एक्सिस है उसको हम सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं. ये एक सेंट्रोइडल एक्सिस है XX, ये दूसरी सेंट्रोइडल एक्सिस है YY. सो दिस इज XX वन सेंट्रोइडल एक्सिस, दिस YY इज अनदर सेंट्रोइडल एक्सिस. अब जब हम इस पूरी बॉडी को इनफिनिट छोटे-छोटे क्रॉस सेक्शंस में बांट देंगे तो सारे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उनके CG को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको बोलते हैं longitudinal axis. ये मैं बता चुका आपको लास्ट लेक्चर में, दिस इज longitudinal axis. तो मैंने आपसे कहा अगर हम देखना चाहते हैं कि कपल की टाइप किस तरह से होती है, तो मैंने कहा मान लेते हैं कि मेरे पास दो फोर्सेस काम कर रहे हैं. लेटर से यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, दिस इज F, यहाँ एक दूसरा फोर्स लग रहा है F. आप इसको देख के बता सकते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस है. मान लेते हैं डिस्टेंस दोनों के बीच का जो है वो d है. सो दे आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d. And my dear, obviously they will be consisting of a couple. इसको feel करना तो ऐसे feel करें, ये मेरे पास एक member है. And my dear, इस member के ऊपर एक force ऐसे लगा हुआ है और जो दूसरा force है वो ऐसे अंदर की तरफ लगा हुआ है. To equal and opposite forces separated by distance will constitute a couple. अब my dear, अब देख पा रहे हैं जो couple है ऐसे बन रहा है. It is like this. उम्मीद है आप feel कर पा रहे हैं इसको, ऐसे लग रहा है. मतलब इस couple का plane ये है अगर आप ध्यान से देखेंगे. और अगर आपको अच्छे से फील करना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूं. इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. आप फील कर सकते हैं, सॉरी ऐसे, तो यू कैन फील इट लाइक दिस. इट इज एक्टिंग लाइक दिस. मींस दिस इज द प्लेन ऑफ द कपल, दिस इज द प्लेन ऑफ द कपल. एंड यू नो, अगर मैं इस फोर्सेस को एक बार से हटा दूं तो ये मेरे पास कपल है, ये कपल का प्लेन है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये प्लेन ऑफ कपल, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये प्लेन ऑफ कपल. आप देख सकते हैं माय डियर, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है प्लेन ऑफ कपल, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. और आप देख सकते हो अगर आप बोर्ड पर भी देखना चाहते हो तो ये कपल ऐसे बन रहा है. तो कपल बन रहा है बोर्ड के प्लेन में, जबकि क्रॉस सेक्शन को मैंने टेढ़ा बनाया है इसलिए, क्योंकि अगर ये बॉडी ऐसे है तो फिर से बताए ये है माय डियर क्रॉस सेक्शन. तो क्रॉस सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड. तो क्रॉस सेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, क्रॉस सेक्शन ये है, और सॉरी क्रॉस सेक्शन ये है, और जो बोर्ड का प्लेन है वो ये है. तो आप देख सकते हो बोर्ड का प्लेन और क्रॉस सेक्शन प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो माय डियर, ऐसे कपल्स जिनका प्लेन ऑफ कपल प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे कपल्स को बेंडिंग कपल बोलते हैं. सो माय डियर, ऐसे कपल जिनका प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, ऐसे कपल्स को बेंडिंग कपल्स हम बोलते हैं. ऐसे एक और कपल माय डियर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और आप देख सकते हो जो सेंट्रोइडल एक्सिस एक्सएक्स है इसके अबाउट लगने वाला एक कपल बेंडिंग कपल है. अब मैंने कहा सोचो यही फोर्स ऐसे लगे होते, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे. अब आप देख सकते हो ये भी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल हो जाएगा. तो एक फोर्स लगा हुआ है इस पर, अगर आप ध्यान से देखें तो एक फोर्स लगा हुआ है ऐसे और एक फोर्स लगा हुआ है ऐसे. वन फोर्स इज दिस, अदर फोर्स इज दिस. एंड माय डियर, दे आर मेकिंग अ कपल लाइक दिस. इस बार जो कपल बन रहा है ऐसे बन रहा है, ये है कपल का. So my dear, this is the plane of couple, this is the plane of cross section, this is the plane of couple, this is the plane of cross section. Again, both the planes are perpendicular to each other. And my dear, if the plane of couple and plane of cross section are perpendicular to each other, such kind of couples are known as bending couple. मतलब ये वाला जो red वाला forces भी जो couple देंगे, it is also going to be a bending couple. तो ये दोनों के दोनों my dear bending couple हैं. ये y y axis के अबाउट लग रहा है, मतलब x x और y y दोनों axis के अबाउट जो couple लग रहे हैं, they both are my dear bending couples. अब मैंने आपसे कहा कि सोचो अगर यही पर अगर मैं फोर्सेस को इस तरीके से बनाता कि मान लेते हैं एक फोर्स होता ऐसे और एक फोर्स होता ऐसे.
अब बी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का कपल, फोर्स कुछ ऐसे है माय डियर, एक फोर्स ऐसे आ रहा है अंदर की तरफ, एक फोर्स ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, वन फोर्स इज इनवर्ड, अदर फोर्स इज आउटवर्ड, वन फोर्स इज इनवर्ड, अदर फोर्स इज आउटवर्ड, एंड माय डियर दिस इज अगेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल, एंड माय डियर अगर आप इस पर कपल को ध्यान से फील करें तो कपल को मैं ऐसे दिखा सकता हूं क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन के अंदर ही तो लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखें कपल इज लाइक दिस, एंड माय डियर ये जो कपल है इस कपल का प्लेन यही तो है, एंड माय डियर दिस इज द प्लेन ऑफ कपल, दिस इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द प्लेन ऑफ कपल, दिस इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड इफ बोथ द प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर सच काइंड ऑफ कपल्स आर नोन एज माय डियर ट्विस्टिंग कपल्स। तो अगर प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेन ऑफ कपल के पैरेलल हो तो माय डियर ऐसे कपल्स को ट्विस्टिंग कपल्स का नाम दिया जाता है। सो माय डियर एक बार फिर बोल रहा हूं, ऐसे कपल्स जिनका प्लेन क्रॉस सेक्शन के प्लेन के परपेंडिकुलर हो बेंडिंग कपल, ऐसे कपल्स जिनका प्लेन क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल हो ट्विस्टिंग कपल। एंड माय डियर आप देख सकते हो मैंने टोटल तीन सेंट्रोइडल एक्सिस आपके सामने बनाई थी, एक सेंट्रोइडल तीन सेंट्रोइडल एक्सिस बनाई थी, और सेंट्रोइडल एक्सिस कौन-कौन सी थी, सबसे पहले एक्स एक्स, फिर वाई वाई, फिर जेड जेड, जेड जेड को लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। तो तीन में से एक एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल थी, सेंट्रोइडल तो तीनों है बट ये लॉन्गिट्यूडनल है। एंड माय डियर जो तीन कपल है इन दोनों के आउट आने वाले कपल बेंडिंग कपल थे, और इसके आउट आने वाला कपल ट्विस्टिंग कपल था। सो माय डियर आउट ऑफ थ्री सेंट्रोइडल एक्सिस वन इज लॉन्गिट्यूडनल, आउट ऑफ थ्री कपल्स वन इज ट्विस्टिंग, यू कैन से द ट्विस्टिंग कपल इज द कपल व्हिच एक्ट्स अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एंड माय डियर रेस्ट अदर सेंट्रोइडल एक्सिस के आउट लगने वाले कपल्स को बेंडिंग कपल्स बोलते हैं। अब माय डियर कुछ लोगों को डाउट होता है सर हमें दिया हुआ हो कोई कपल तो हम पहचाने कैसे कि कौन सा बेंडिंग और कौन सा ट्विस्टिंग, क्योंकि जनरली जब मेंबर्स हमें दिए जाते हैं तो इस तरीके से बना दिए जाते हैं और हमें बोला जाता है कि ये देखो ये कपल एक्ट कर रहा है, हमें बोला जाता है कि ये देखो ये कपल एक्ट कर रहा है। सो माय डियर मैं आपको बता दूं एक सेमी सर्कल है और एक सेमी इलिप्स, तो सेमी सर्कल इज द रोटेशन फॉर बेंडिंग कपल्स, सेमी इलिप्स इज द रोटेशन फॉर ट्विस्टिंग कपल। सो माय डियर सेमी सर्कल इज द रोटेशन of bending couple and semi ellipse is the rotation of twisting couple. So my dear ऐसे couples जो bending होते हैं जिनका plane of cross section के plane perpendicular होता है ऐसों को हम semi circle से दिखाते हैं, और जिनका plane cross section के plane के parallel होता है उनको twisting couple बोलते हैं और semi ellipse से दिखाते हैं। तो notations तक में difference है my dear, और कुछ लोगों के माइंड में एक और डाउट होता है सर जैसे मेंबर्स के नाम की मैं बात कर रहा हूँ कि जो मैंने बनाया जिंदगी, कुछ लोग बोलते सर ये बार है, कुछ लोग बोलते सर ये बीम है, तो माय डियर जो नाम भी होते हैं फोर्सेस के हिसाब से ही डिफाइंड होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा अगर मेरे पास एक मेंबर है और इसके ऊपर कोई एक्सियल लोडिंग लगी हुई है, अब एक्सियल लोडिंग टेंसाइल भी हो सकती है, एक्सियल लोडिंग कंप्रेसिव भी हो सकती है, तो जब किसी मेंबर पे एक्सियल लोडिंग लगी होती है चाहे वो टेंसाइल हो या कंप्रेसिव, ऐसे मेंबर को माय डियर बार कहा जाता है, सच काइंड ऑफ मेंबर्स आर नोन एज बार। अब अगर इसमें टाई लग रही है, सॉरी अगर इसमें टेंशन लग रहा है तो उसको टाई बार बोलते हैं, अगर कंप्रेशन लग रहा है तो स्ट्रट बार बोलते हैं। इफ टेंशन इज एक्टिंग टाई बार, कंप्रेशन इज एक्टिंग स्ट्रट बार। स्ट्रट माय डियर अगर हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन में, वो कंप्रेशन मेंबर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब जो स्ट्रट है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, बट जब स्ट्रट वर्टिकल होता है तो उसको कोलम बोलते हैं। सो माय डियर जो सारे मेंबर्स के नाम है वो लोडिंग पर ही आधारित है। तो जैसे मैंने आपसे कहा टेंशन मतलब टाई टीआई, कंप्रेशन मतलब स्ट्रट, एंड माय डियर स्ट्रट इफ वर्टिकल इज नोन एज कोलम। अब मैंने कहा कि अगर किसी मेंबर पे शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट काम कर रहे हैं तो ऐसे मेंबर को हम बीम बोलते हैं, अगर किसी मेंबर पे ट्विस्टिंग मोमेंट काम कर रहा है तो ऐसे मेंबर को हम शाफ्ट बोलते हैं। सो माय डियर दिस इज हाउ द नेम ऑफ द मेंबर्स आर गिवन। इन जनरल हमारे माइंड में क्या रहता है, अच्छा फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है तो बार लिखा होगा, फिफ्थ चैप्टर से क्वेश्चन है तो बीम लिखा होगा, सेवन से तो शाफ्ट लिखा होगा। तो माय डियर दिस इज नॉट द वे, द वे इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन which kind of forces are acting, my dear. Based on the types of forces, we can define it like that. Is it okay? So, my dear, hope you are getting full benefits of these classes. Now, let us discuss regarding the equivalent effect of the forces on loads, basically. When we are going to discuss the equivalent effect of load, this is the last part of the loads and their effect chapter. And then we are going to see three questions over that. And my dear, then we'll move on to the next topic. It is simple stress and strains. Hope you are getting. So, dekhte hain. What is the equivalent effect of load? Why it is required? Let us see. चलिए माय डियर अब हम आखिरी पार्ट पर आ गए हैं इस चैप्टर के, और आखिरी पार्ट जो इस चैप्टर का है उसका नाम है इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ लोड। माय डियर सबसे पहले तो देखते हैं इक्विवेलेंट इफेक्ट का मतलब क्या है, मतलब क्यों इस चीज को इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा
अगर मैं आपसे नॉर्मली, ठीक है मैंने अभी आपको स्ट्रेस के बारे में कुछ नहीं बताया, बट माय डियर इतना तो मैं समझता हूँ कि आपने कॉलेज में फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा है। मैं आपसे नॉर्मली भी पूछूं कि मेरे पास एक मेंबर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इस पर मैं फोर्स पी लगा दूं तो इस पर स्ट्रेस कितनी आएगी, माय डियर आप देख के ही बोल दोगे सर की स्ट्रेस आएगी पी बाय ए। बट माय डियर अगर इसी मेंबर को मैं ऐसे दे दूं कि मेरे पास एक मेंबर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और अगर इस पर फोर्स ऐसे पी लगाओ तो स्ट्रेस कितनी आएगी, तो उसको देख के माय डियर मैं नहीं समझता कि आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा होगा, तो उसको देख के शायद आप सोच में पड़ गए कि सर नहीं पता इसके लिए फॉर्मूला तो हमें पढ़ा ही नहीं। सो माय डियर कहने का मतलब ये जनरली जब फोर्सेस जो है सेंट्रोइड या सीजी से पास करते हैं अलोंग द राउंडेड एक्सिस होते हैं तो उनके बारे में हमें नॉलेज होती है जनरल। अगर वो सेंट्रोइड या सीजी से पास नहीं करते तो उनका इफेक्ट वहां पर क्या होगा वो देखने का टारगेट हमारे इस टॉपिक में है। अब एक्सियल लोडिंग तो ऑलरेडी सेंट्रोइड या सीजी से पास कर ही रही है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट, तो इसके लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने डायरेक्टली लिख दिया। तो सबसे पहले हमें ऐसी लोडिंग्स को ढूंढना है जो कि सीजी और सेंट्रोइड से पास नहीं करते, उनमें सबसे पहला है इसेंट्रिक एक्सियल लोड। सो माय डियर सबसे पहला इफेक्ट मैं आपके सामने जो रख रहा हूं वो है इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, इट इज इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। एंड माय डियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग इन शॉर्ट फॉर्म इट इज ईएल, और मैं आपके सामने बना भी रहा हूं, मैंने आपसे कहा ये मेरे पास एक मेंबर है और इस मेंबर की ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ये रहा इसके ऊपर लगने वाला फोर्स पी और ये जो डिस्टेंस है माय डियर ये एज इसेंट्रिसिटी हमें मेंशन किया गया है। और जब हम बात कर रहे हैं इसकी तो अब ऑब्वियस बात है हमें इसका इक्विलेट इफेक्ट देखना है और इक्विलेट इफेक्ट देखने के लिए हम फोर्स का इफेक्ट सीजी और सेंट्रोइड पे ला करके देखना चाहते हैं। तो माय डियर ये सीजी और सेंट्रोइड है, इस पर हमें प्रेजेंटली कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रहा, तो क्योंकि इस पर हमें कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रहा तो हम एक फोर्स पी आगे की तरफ और एक फोर्स पी पीछे की तरफ बना देंगे, क्योंकि ये दी हुई कंडीशन ये है कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो है तो अपनी तरफ से अगर कोई फोर्स ऐड करेंगे तो वो दी हुई कंडीशंस को ही चेंज कर देगा जो कि नहीं कर सकते हम, तो इसलिए अगर हमने पी आगे लगाया तो पीछे भी लगाना होगा। एंड माय डियर इन दैट केस ये अब लगने के बाद ये और ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विल कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, तो ये दोनों पे मिलकर के कपल बना देंगे माय डियर। और ये जो कपल बनाएंगे अभी अभी मैंने आपको बताया था जिस हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे एक तरह का बेंडिंग कपल होने वाला है, तो अब जो इफेक्ट मेरे पास इस मेंबर के ऊपर आए तो इस मेंबर के ऊपर जो नेट रह जाएगा वो अगर हम देखने की कोशिश करें माय डियर तो एक तो ये पी रह ही रह रहा है और ये दोनों मिलकर कपल बना रहे हैं जो कि ऐसा आ रहा है माय डियर जिसकी वैल्यू है पी इंटू ई। सो माय डियर एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड जो है वो इक्विवेलेंट है, ये वाला फोर्स सीजी और सेंट्रोइड से पास कर रहा है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्सियल लोड है माय डियर। नॉर्मल क्यों है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल, सीजी से पास कर रहा है इसलिए इसको मैंने बोला एक्सियल, तो इट इज इक्वल टू वन एक्सियल लोड प्लस माय डियर जो कपल है पी इंटू ई का ये एक वन कांस्टेंट बेंडिंग कपल है, कांस्टेंट इसलिए बोला क्योंकि ई इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस माय डियर। अब इसेंट्रिक एक्सियल लोड जो था वो पी का था, एक्सियल लोड जो था वो पी का था और constant bending couple is of P into E. So my dear, this is how the effect of eccentric axial load can be seen. So this is the very first effect. My dear, second effect we are going to see is this is direct TSL, direct transfer shear load. अब आपके mind में आ रहा होगा sir कैसी बात कर रहे हो, direct TSL तो already CG और centroid से ही pass करता है। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी different है, उसको समझने की कोशिश करें। ये मेरे पास वही member है, मेंबर इसलिए बोल रहा हूँ जब तक लोडिंग नहीं लगाई मैं मेंबर को नाम नहीं दे सकता। अब मैंने कहा ये सेंट्रोइडल एक्सिस पासिंग थ्रू सीजी और यहाँ पर अगर एक फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इसलिए जो फोर्स है ये ट्रांसवर्स शियर लोड है और क्योंकि सीजी और सेंट्रोइड से पास कर रहा है तो माइंड ये डायरेक्ट भी है। अब ये डायरेक्ट भी है और ट्रांसवर्स शियर लोड भी है, सीजी से पास भी कर रहा है। सो माय डियर अगर हम बात करें इसके इफेक्ट की तो इसका इफेक्ट हम देखना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा अगर मैं इसी को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से दिखाऊं जैसा कि हम दिखाते भी है बीच में तो इसको मैं ऐसे तो दिखाऊंगा दिस इज फोर्स पी, तो मैंने कहा मैं इसका इफेक्ट देखना चाहता हूं इस पॉइंट ए से किसी एक सेक्शन पर जिसको एक्स एक्स नाम दे रहा हूं जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर है। आई वॉन्ट टू सी द इफेक्ट ऑफ दिस पी एट दिस सेक्शन एट दिस पॉइंट। एंड माय डियर अगर हम ध्यान से देखें तो एक बार फिर से इस पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ। एंड माय डियर अगर कोई फोर्स नहीं है तो नेट फोर्स जीरो है तो मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, तो मैंने कहा एक काम करते हैं एक फोर्स नीचे और एक फोर्स ऊपर मान लेते हैं। जब आपने टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस माने माय डियर तो ये और ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस है, दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। एंड माय डियर अब अगर आप इसका इक्विलिब्रियम इफेक्ट देखोगे तो जरा ध्यान से देखना, जब आप इसको बनाएंगे तो इस सेक्शन पे जब आप बात कर रहे हैं ये पॉइंट ए है ये एक्स मान लेते हैं और ये बी,
जब इस पे बात करेंगे तो एक ये फोर्स पी बचा हुआ है क्योंकि हमने ऊपर नीचे पी माना था, और ये दोनों पी मिलकर के बना देंगे कपल जो कि बेंडिंग कपल होगा। बेंडिंग क्यों होगा वो तो आप समझ ही रहे हो क्योंकि इसका प्लेन बोर्ड का प्लेन है जबकि क्रॉस सेक्शन का प्लेन बोर्ड के परपेंडिकुलर है। सो माय डियर दिस इज पी इनटू एक्स। अब माय डियर आप देख सकते हो ये जो पी इनटू एक्स में एक्स जो है वो वेरिएबल है। अगर आपने ये एक्स सेक्शन यहां पर लिया था तो ये डिस्टेंस एक्स है, कहीं और लेते तो और डिस्टेंस एक्स होता, और ए से बी तक का ले लेते तो डिस्टेंस एल हो जाता। तो मैं लिखूंगा वन डायरेक्ट टीएसएल का इफेक्ट जो आ रहा है। अब अगर ये वाले पी को मैं ध्यान से देखूं तो माय डियर ये एक्स डिस्टेंस पे किसी क्रॉस सेक्शन की बात अगर हम करें तो ये एक्स डिस्टेंस पे किसी क्रॉस सेक्शन पे अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा होगा तो वो क्या होना चाहिए भाई? क्रॉस सेक्शन के पैरेलल ट्रांसवर्स शियर लोड सीजी सेंटरवर्ड से पासिंग डायरेक्ट, मतलब अगर ये डायरेक्ट टीएसएल है तो ये भी डायरेक्ट टीएसएल है, बस सेक्शन ही तो चेंज हुआ है, क्रॉस सेक्शन ही तो चेंज हुआ है। सो माय डियर इट इज वन डायरेक्ट टीएसएल। And my dear, at the same time, जो P into X है, ये एक bending couple है, और क्योंकि X है, तो variable है, तो it is one variable bending couple. So my dear, it is P का direct TSL will give you P का direct TSL and P into X का variable bending couple. Variable क्यों बोल रहा हूँ my dear? क्योंकि अगर यहाँ पर मैं X की value को put कर दूँ 0, तो ये at A की position आ जाएगी और bending couple की value जो हो जाएगी वो 0 ही हो जाएगी। और अगर मैं इसको लिख दूं x = l तो माय डियर हम b पर पहुंच जाएंगे तो बेंडिंग कपल की वैल्यू हो जाएगी p * l। सो माय डियर दिस इज हाउ वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट tsl डायरेक्ट ट्रांसवर्स शियर लॉस। माय डियर वी आर कमिंग ऑन टू द लास्ट इफेक्ट एंड माय डियर द थर्ड लास्ट इफेक्ट इज इट इज इसेंट्रिक tsl इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लॉस। माइंड जब हम बात कर रहे हैं इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड की तो बातें कुछ इस तरीके से हैं कि ये मेरे पास एक मेंबर है और ये इस मेंबर का क्रॉस सेक्शन है। अब इस क्रॉस सेक्शन में ये सेंट्रोइडल एक्सिस एंड माय डियर मान लेते हैं यहां पर एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है। अब माय डियर ये फोर्स क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, इसमें कोई लोलाई नहीं है और ये फोर्स सेंट्रोइड या सीजी से पास नहीं कर रहा। सो माय डियर मैंने आपसे कहा ये जो फोर्स है यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस पे है, तो अगर हम सीजी और सेंट्रोइड की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो एक काम करते हैं, असली में तो इस पॉइंट पे कोई फोर्स है नहीं, तो मैंने कहा एक काम करते हैं एक फोर्स मान लेते हैं नीचे की तरफ और एक फोर्स मान लेते हैं ऊपर की तरफ। अब ये जो दो फोर्स मैंने माने क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है और सीजी और सेंट्रोइड पे हमें इफेक्ट देखना होता है, तो अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों फोर्स नेट क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इक्वल एंड अपोजिट है ये, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिलके कपल बना देंगे। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। एंड माय डियर ये जो डिस्टेंस है इसको x की जगह मैं e ले रहा हूं क्योंकि ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसेंट्रिसिटी है लोड की। एंड माय डियर आप ध्यान से देखें टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। सो माय डियर अगर ऐसा है तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इस क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस क्रॉस सेक्शन पर ये जो दोनों फोर्सेस हैं दे विल मेक अ कपल लाइक दिस, पर एक फोर्स एज इट इज ये बच रहा है और आप जानते हो ये फोर्स क्रॉस सेक्शन के पैरेलल और सीजी सेंट्रोइड से पासिंग है इसलिए डायरेक्ट टीएसएल है, और ये जो कपल है ये पी इनटू ई के बराबर है। यहां पर ई एक कांस्टेंट डिस्टेंस है एंड माय डियर दिस कपल इज अ ट्विस्टिंग कपल क्योंकि इसका प्लेन क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल है। होप आप इस चीज को फील कर पा रहे हैं। तो अगर क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल प्लेन है तो ट्विस्टिंग कपल, क्रॉस सेक्शन के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन है तो माय डियर बेंडिंग कपल। एंड इफ दिस इज द केस तो मैं लिख सकता हूं वन इसेंट्रिक टीएसएल इज इक्विवेलेंट टू वन डायरेक्ट टीएसएल प्लस वन ट्विस्टिंग कपल, और ये ट्विस्टिंग कपल कांस्टेंट है पी इनटू ई के बराबर, ये डायरेक्ट टीएसएल पी है और इसेंट्रिक टीएसएल भी पी था। बट एट द सेम टाइम अभी अभी आपने देखा अगर ये डायरेक्ट टीएसएल हो और उस डायरेक्ट टीएसएल का बीम के किसी और पॉइंट पर मुझे इफेक्ट देखना हो जैसे पी है और यहां से एक्स डिस्टेंस पर मुझे जाना है तो अभी अभी हमने देखा उसका इफेक्ट क्या होता है, वन डायरेक्ट टीएसएल इज वन डायरेक्ट टीएसएल प्लस वन वेरिएबल बेंडिंग कपल। तो अगर किसी और सेक्शन पे हम पहुंच जाएंगे तो ये वन डायरेक्ट टीएसएल फिर से ब्रेक कर जाएगा वन डायरेक्ट टीएसएल प्लस वन वेरिएबल बेंडिंग कपल। एंड वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होगी पी इंटू एक्स, इसकी वैल्यू होगी पी और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी माय डियर जब हम एक्स को जीरो पुट करेंगे एट ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी पी इंटू एल एट एक्स बराबर एल एट पॉइंट बी। सो माय डियर एट बी ये ए है, ये बी है और ये एक्स है। उम्मीद करता हूं आपको इन तीनों केसेस समझ में आए होंगे। अगर किसी को किसी भी तरह की दिक्कत है माय डियर तो आप इसके रिगार्डिंग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं,
और इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर हम लोग देखेंगे इस पर कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद हम शुरू कर देंगे माय डियर नेक्स्ट टॉपिक सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। थोड़ा बड़ा टॉपिक है वो, काफी लंबा चलता है, बट माय डियर उसमें आपके सॉल्व के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बनेंगे एंड यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट। इट इज अ सब्जेक्ट जो जल्दी पढ़ने के बाद डेफिनेटली विल बी इन लव विद द सब्जेक्ट, बट डेफिनेटली फॉर दैट यू नीड टू अटेंड ईच एंड एवरी लेक्चर और पूरा ध्यान से आप सुनेंगे तो डेफिनेटली दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। क्वेश्चन बनना पेपर में वो तो आम बात है, यू विल बी इन लव विद दिस सब्जेक्ट और इंटरव्यू सब तो हो ही जाएंगे, बट मेन प्रॉब्लम मेन जो बात है वो ये है कि यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू, बट फॉर दैट यू नीड टू मेक अ रेगुलरिटी ओवर दिस सब्जेक्ट। इन केस ऑफ डाउट यू कैन प्लीज आस्क ऑन द व्हाट्सएप नंबर एंड ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग सून द नोट्स ऑल्सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर बाय चैप्टर आई विल बी शेयरिंग द नोट्स। होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। चलिए देखते हैं।